हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक मेडिसिन टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांत में लगा कीड़ा एक बार में ही बाहर निकाले। दोस्तों, कटहरी के दो सरल उपाय करके देखें जिससे आपके दांत का कीड़ा जल्दी से बाहर आ जाएगा और होने वाले दांतों के दर्द से भी आपको राहत मिलेगी। आज हम आपको छोटी कटहरी के बारे में बता रहे हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं और इसके अंदर जो अंकुर होता है वह पीले रंग का होता है। फल हरा होता है और पकने के बाद पूरा नीला हो जाता है, जो छोटे और गोल होते हैं। इसके फलों से निकलने वाले बीज जड़ और दांतों में कीड़े को तुरंत निकाल देते हैं। यदि दांतों में कीड़ा लग जाए तो उस जगह पर कालापन हो जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में कैविटीज कहा जाता है। इसमें बहुत ही पीड़ा होती है जो कि सहन करने लायक नहीं है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कीड़े को निकालने या उसको मारने की कोई भी दवा नहीं देते हैं। वे आपको दांतों को साफ करके आपके दांतों को जड़ों को काट देते हैं, फिर उनमें मसाला भर दिया जाता है, जिससे आपके दांतों का कीड़ा एवं होने वाला दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन यह चिकित्सा काफी महंगी होती है और इसमें काफी समय भी लगता है और इसे कराने में बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। यानी कि आपको दर्द और पीड़ा बहुत होती है। अगर आप यह नहीं कराना चाहते हैं और होने वाली तकलीफ को भी खत्म करना चाहते हैं तो आज हम आपको कटहरी के दो ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके दांतों में तेज दर्द हो रहा है तो कटहरी के बीजों को जलाकर उसका धुआं अपने मुंह में ले, इससे दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है कटहरी की जड़, पत्ते व फल को कूट पीस कर गर्म पानी में उबालें। बाद में इसे छान लें और इसे हमेशा कुल्ला करें, जिससे आपका कीड़ा लार के साथ बाहर आ जाएगा। छोटी कटहरी या भूमि कंदब का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम कुल्ला करने से भी दांतों में पीड़ा खत्म हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।